सतनाम वाहेगुरु 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 भाई बैठो कवर जी थल्ले थल्ले बैठो थल्ले भाई थल्ले भाई नाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 2 मिनट के चुप सारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मेरा सिर चुक रहा है किन्ना तुसी प्यार दे रहे हो अज दो महीने तो उपर का समा हो चलिया पर थोड़ी खिच है जी घटन की जगह बढ़ती जा रही है अनेक हरजेवें होने के बावजूद मेरी पूरी कोशिश होंगी है भी मैं संडे नूं तां घट्टो घट्ट तुहानूं टाइम देवां क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी सारी चली जाती है मगर मगर आपां नूं जाना पैंदा जिथे किते कोई अफसर बुलाउंदे आ ते आपां परमात्मा अगे ही अरदास करदे हां भी जल्दी तो जल्दी बच्चे दा आपां नूं इंसाफ मिले पर प्रशासन लग्या भी होया तनदेही ना उम्मीद भी आपां कर सकदे हां भी कुछ चंगा सुनने मिलेगा अपन क्योंकि बेदोशा
बिल्कुल ही कोरा कागज जिन्हों आप कहने पापियां ने उन्होंने गोलियां चलाईया ने और गोलियां चलाने वाले ये भी नहीं पता सी मार किनू रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं पता भावें जिहड़ा अपना इंसाफ है वह शूटरां नू मारन तक जां फड़न तक सीमित नहीं है जब तक इन्हां दे आख्या जिहड़े वड्डे देशां विदेशां च बैठे ने उन्हां दा कोई हल नहीं करदियां सरकारां तद तक आपां इंसाफ नू अधूरा ही मन्नांगे क्योंकि हर इन्नी क आजादी तो हर एक नू चाहीदी है कोई बेखौफ हो के अपने घर तो बाहर खेत बन्ने अपने काम धंधे जा सकता हो और सरकार की ड्यूटी भी बनती है भी इन्नी क हर एक नागरिक नू सुरक्षा देनी उहदी बनती है इहोजा माहौल देना तो बनता ही है कि सवेरे काम ते गया बच्चा शाम नू घरे वापस परतन की हिम्मत रखे मौजूदा हालात है जिहड़े बहुत माड़े ने परमात्मा अग्गे दुआ कर सकदा कि मेरे वांगू किसे होर परिवार का हाल ना होवे सिद्धू चला गया पर वो पिछे काफ़ी सवाल छड़ के भी गया इस मेरे देश की हुकूमतों के हाकमों को गल्लां ध्यान च रखनियां पैणगियां कि तरक्की करन दे हशर इस तरह ही होणगे पापी बड़े टीवी चैनलों पर बैठ बैठ के कहिंदे है हाँ वो तो असीं मारना सी मैं मरवाया ये गल सुन ली सानू बड़ी औखी लगती है भी एक क्लीयर बंदा कह रहा है हाँ मैं मारिया फिर उन्हूं सुरक्षा क्यों दित्ती जांदी है मैं तुहाडे माध्यम नाल ये गल सारिआं तक पहुँचाउणी चाहुंदा जिवें मेरे नूं सड़क ते जांदे नूं गोलियां नाल छलनी करके पाता असीं भी चाहुंदे ओह पापी कोर्टां दे विच जाण उहनां नूं भी कोई सुरक्षा ना दित्ती जावे घट्टो घट्ट असीं सिद्धे हो के कुछ जिहदा देखता लईए अज पापी कानून दीआं कमजोरियां दा फायदा ठाक के ओह ह्यूमन राइट्स की मंग करदे आ भाई भी मेरे बच्चे दे होम राइट्स कित्थे गए सी कि वह घर तो बाहर कला घूम नहीं सकता सी पुलिस सुरक्षा किन्ने कु नूं दे दूगी एड्डी वड्डी गिनती दे विच सानूं इहो जिहा माहौल तैयार करना पऊगा कि असीं बेखौफ हो के आपो अपने घरां दे विच शांति नाल जिंदगी बतीत कर सकीए अज वो चलदे आ किसे पेछी दे उत्ते 200 बंदा उहनां दे नाल चलदा है असी किवें आ उन्हां ते खर्च नहीं हुंदा मेरा पुत 2 करोड़ रुपया टैक्स भरे साल का पर हशर तुहाडे सामने है ये कमियां ने भरावो ये आपां नूं ध्यान च रखणियां पैणगियां और मेरी तां इंसाफ दी गुहार ओह सच्चे मालक ते है भी मेरे ने कदे किसे दा माड़ा नहीं कीता मेरे परिवार ने कदे किसे दा माड़ा नहीं कीता ये जिहड़े दोष लाउंदे आ बेबुनियाद ने झूठे ने अपने आप नूं साबित कर ली टीवी चैनलों ते बह के इंटरव्यू दिंदे ने साडे किरदार इन्हां वर्गे दी जे असीं झूठे हुंदे जे असीं माड़े हुंदे तां इन्ना इकट्ठ अज वेखण नूं नहीं मिलदा सी अज 50 दिन तों उत्ते आउण वाले हो गए सच सिर चढ़ के बोलदा भरावो जो सच आ तुसीं चंगी तरह जाणदे हो बहुत औखा है 27 सालां दे पुत्त दे पुत्त लाउणे पर आपां इस सिस्टम दे खिलाफ लड़ांगे तुहाडे नाल वादा करदा मैं बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहुंदा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सब आपो अपना काम चली जांदा हले मेरी आस है आस मेरी टुटी नहीं हले तक भी जो होऊगा ठीक होऊगा नहीं फिर उस तों बाद देखांगे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕੋ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। PGI 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਝਦਿਲ ਨੇ, ਬੁੱਝਦਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਕਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਵੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ, ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜਮਾ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਾਪੂ।